साइबर ठगी की ट्रेनिंग दे युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेलने के जुर्म में गुरुग्राम साइबर क्राइम यूनिट ने मास्टरमाइंड समेत चार युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले में खास बात यह है कि एक आरोपी नाबालिग है। इतना ही नहीं, मास्टरमाइंड अब तक 400 से ज्यादा युवाओं को साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग दे चुका है। गुरु के नाम से मशहूर योगेश मीणा बाबई जिला बूंदी राजस्थान का रहने वाला है। डीएसपी साउथ सिद्धार्थ जैन की माने तो 27 दिसंबर 2023 को एक व्यक्ति ने थाना साइबर क्राइम मानेसर में शिकायत दी कि उसके साथ 1 लाख रुपए की ठगी की गई है। देखिए, इसमें बेसिकली एक 58 नंबर FIR साइबर मानेसर थाने में 27 नवंबर 2023 को दर्ज की गई थी। इसमें एक व्यक्ति से इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ 1.25 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। तो अनुसंधान में पाया गया कि योगेश नाम का जो एक लड़का है वो इस गिरोह का एक तरह से आप मान लीजिए सरगना था, जो ना सिर्फ खुद इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देता था बल्कि सैकड़ों और व्यक्तियों को भी आसपास के गांव के या अपने गांव के व्यक्तियों को इस बार की ट्रेनिंग दे चुका था कि किस तरह से ये फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। तो इस मुकदमे पे त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम साइबर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे मोबाइल इत्यादि भी बरामद किए गए हैं और इसमें अभी अनुसंधान जारी है। सर, कुछ रिकवरी भी हुई है सर इसके अंदर अमाउंट की या कुछ चीज़ों की? हाँ, इनसे मोबाइल और जो इनके अकाउंट वगैरह बनाए हैं और जो लोगों से फ्रॉड करके पैसे बनाए हैं उससे इन्होंने कुछ महंगी मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह इस तरह के वस्तुएं भी खरीदी हैं, तो उन सबकी रिकवरी हुई है। सर, किस तरीके की ट्रेनिंग का जिक्र पुलिस कर रही है, कैसी ट्रेनिंग, क्या होता है उस ट्रेनिंग का? सर मतलब बेसिकली ये अपने आसपास के जो युवक होते हैं उनको बताते हैं कि किस तरह से टेलीग्राम पे अकाउंट बनाया जाए, किस तरह से वो अकाउंट का नाम रखा जाए जिससे लोग उसको देख के प्रलोभन में आ जाएं, शुरुआत में कैसे बातचीत करी जाती है, कैसे विश्वास उनको जीता जाए, किस तरह के कंटेंट उसे शेयर किए जाएं जिससे जो व्यक्ति है उसे यह विश्वास हो जाए कि ये जो बात बताई जा रही है ये फ्रॉड नहीं, सत्य है। इसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और इवेंचुअली जब व्यक्ति को बताया जाता है कि आपके पैसे दुगने हो जाएंगे या और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो कुछ लोग प्रलोभन में आ जाते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और जब पैसे निकालने की बारी आती है तब कोई रिस्पांस नहीं आता है और उन्हें पता लगता है कि फ्रॉड हो गया। तो जांच में योगेश और दयाराम लगभग 1 वर्ष से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। दयाराम अब तक करीब 25 से 30 लोगों के साथ ठगी करने की वारदातों को अंजाम दे चुका था। वही विकास 10 से 12 लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है और नाबालिग आरोपी भी अब तक 3 से 4 लोगों के साथ ठगी कर चुका है। योगेश के खिलाफ राजस्थान में आर्म्स एक्ट के तहत एक केस दर्ज है। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से 82,000 रुपए की नकदी, 1 सोने की अंगूठी और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।